जामडोली स्थित कार्यशाला में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जादू विधायकों के सिर चढ़कर बोला। वसुंधरा राजे ने कार्यशाला में ओजस्वी भाषण दिया और कहा, प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी और भाजपा सत्ता में आने के बाद मीसा बंदियों और DIR की पेंशन फिर से बहाल करेगी। गौरतलब है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के भाषण को विधायक भी काफी गंभीरता से दिखाई दिए। क्योंकि मैं समझती हूँ कि इमरजेंसी के असर के अंदर जो लोग डरे हुए थे, जो विरोध बोला था वो कम हो जाएगा, ये मिस गांधी ने सोचा। क्योंकि सब लोग डरे हुए, उन्होंने सोचा कि मैं जितना दबाऊंगी उतने दबा दब के आदमी और डरेगा और मैं धीरे 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 उसको खत्म करने की कोशिश करके और इलेक्शन उसमें करवा के खुद जीत के आ जाऊंगी। पर सरप्राइज, विरोध तो बढ़ता गया और मुझे नहीं समझ में आता कि वो सरप्राइज काहे का है। क्योंकि जब भी किसी को दबाने की कोशिश कोई करता है और इस तरीके से दबाने की कोशिश करता है तो आगे चल के विरोध तो बढ़ना ही है, वो स्वाभाविक है। तो विरोध बढ़ा और 18 जनवरी 1977 को उन्होंने चुनाव की घोषणा की। वो फिर भी नहीं सोचती थी।